आज है 25 दिसंबर 2023 और ये जगह है बेगमगंज के पास में, गांव का नाम है महुआ खेड़ा। और आज 2 दिन की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं विदिशा, सांची और भोपाल की तरफ। तो रात को हम यहाँ आए थे महुआ खेड़ा में, हम ये रावत परिवार है, इस परिवार के साथ हम रुके। माताजी हैं, माताजी ने हमें बहुत ही अच्छा भोजन कराया, बहुत ही प्यार से रखा अपने पास। और ये माताजी का घर है, छोटा सा प्यारा सा, बच्चे हैं 2, खेती पे गए हैं वो, रात पर इन्होंने पानी दिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। ये मोदी ने दिया था? हाँ। है हाँ। मोदी ने दिया है? मोदी ने दे रहे हैं, सब गांव बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, फरागवाड़ है बनवी को, ऐसे कारण लगे खातों में। ये मकान ये वाला पोर्शन दिया मोदी ने, और सिलेंडर भी दिया आपको मोदी ने? सिलेंडर भी दिया है। हाँ, 3 है हमारे यहाँ। अच्छा, 3 सिलेंडर। हाँ, 5 है तो। हाँ, एक उतर बड़े मोड़ आ गए। हाँ, बड़ी बहू को। हाँ, और नत बहू को। हाँ, वो 3 हमारे घर में। और ये मकान भी बनवाया? मकान बनवाओ नहीं मोदी ने। मोदी ने तो आप मोदी को वोट देते हो? क्या कर देते हो? अब कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस में यूँ करे हमारी यूँ करे कि मकान मोदी ने बनवाया, वोट कांग्रेस को दे देते। अच्छा अच्छा, पता नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चले भाई, भोपाल जा रहे हैं। माता जी बहुत अच्छा लगा आपके, रात को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा प्रेम दिया आपने। आना आप धौलपुर घूमने। ठीक है, राम राम। पच्चीस दिसंबर है और हम हैं इस समय बेगमगंज में, सागर जिले के बेगमगंज में, और हम जा रहे हैं विदिशा की ओर। सुबह के 7 बजे हैं, क्रिसमस का दिन है आज, और भयंकर ठंडा आप देख सकते हैं, कोहरा है चारों तरफ। अभी विदिशा यहाँ से है 80 किलोमीटर, सुबह के बजे हैं 7 और चारों तरफ धुंध है, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे ड्राइवर दुबे जी हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीका मिस्टर जी और गाड़ी चला रहे हैं। अब आ गया महुआ खेड़ा, उसके बाद हम गैरतगंज, और गैरतगंज के बाद हम सीधे विदिशा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बजते लेते हुए। बस 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 इन जंगलों में रहते हैं तेंदुए और बहुत सारे जंगली जानवर, उसका बहुत शिकार है। ये पता नहीं है कि कब कौन से पेड़ के नीचे से तेंदुआ पर हमला कर दे, इसलिए हम दोनों तैयार हैं। अधिकतर तो मेन है गेहूं, गेहूं की ज्यादा होती है, गेहूं सबसे ज्यादा पैदावार है, सबसे ज्यादा गेहूं है। और अब इसके बाद में मतलब धान भी पैदा करने लगे साड़ी में। हाँ। सोयाबीन बोते तो वो मतलब उत्पादन नहीं हुआ, नष्ट हो जाते। अच्छा, मसूर वगैरह? मसूर वगैरह मसूर मिली है एरिया में मिली है, लेकिन हमारे एरिया में मिलेगी जो पानी कम है क्षेत्र में। अच्छा, ये अभी रास्ते में जो जंगल मिला था हमें, तो जंगल में जो पेड़ है वो काय का है? सागुन है, तेंदू और सागुन और
तो ये जो तेंदू है चौड़े पत्ते वाला तेंदू है ना? हाँ, छोटे पत्ते बड़े रहे, लंबे लंबे तेंदू वाले। अच्छा, तो तेंदू के पत्ते का क्या उपयोग होता है यहाँ? बीड़ी के पत्ते, बीड़ी बनती है। और लकड़ी भी कोई काम आती है कि उसके? लकड़ी खास नहीं है, जलावे काम है। अच्छा अच्छा, जलावे सागौन की तो फिरा नहीं है। हाँ, सागौन नहीं तो आगे बेंट डर जा रहा है। ये सही है। बमुरा बड़ा तो चेंटी बेटा बेटा पीछे हो जाओ। बौद्ध धर्म के महान संत नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों, मैं इस समय आ गया मांडव में, मांडव के बिल्कुल एक किनारे पे हूँ। अभी मांडव में प्रवेश किया है, मेरे पीछे देख रहे हैं, मांडवगढ़ 0 किलोमीटर बोल रहे हैं यहाँ से। और हमारी शुरुआत होती है सबसे पहले नीलकंठ महादेव से। तो यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी बढ़िया शानदार एक घाटी है, और इस घाटी के किनारे पर यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ। तो मांडवगढ़ में क्या क्या देखने को है, सबसे पहले हम नीलकंठ महादेव, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जगह जगह मैं आपको बताते रहूँगा कि अब ये वाला कौन सा स्पॉट है। तो सबसे पहले मैं आपको नीलकंठ महादेव के और नीलकंठ एक जो महल है उसके मैं दर्शन कराता हूँ आपको। देखिए, ये नीचे उतर के सीढ़ियों से आप पहुँच जाएंगे एक नीलकंठ महादेव। मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मांडू की मस्जिद, बहुत ही शानदार उत्कृष्ट कला है, मुग़ल शैली में बनाई हुई ये मस्जिद जो है, लगभग 1400 के आसपास एक मालवा में आक्रमण हुआ था खिलजी का, उनके द्वारा इसका जो है पूरा बनावट, पूरा रख रखाव और जीर्णोद्धार हुआ। बाकी इसकी जो नींव जो रखी गई वो रखी गई होसंग शाह के द्वारा। होसंग शाह ये तैमूर आया था, तो तैमूर का ये गवर्नर था दिलावर खान, उस दिलावर खान के एक बेटे थे होसंग शाह, और उन्होंने ही यहाँ ये मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्होंने अपना होसंग शाह ने यहाँ पे अपना मांडू का पूरा आधिपत्य कर लिया और यहाँ के राजा बन गए। गौरी वो अफगान थे, गौरी वंश की स्थापना की, और उन्होंने यहाँ एक बहुत ही शानदार जामा मस्जिद का ये निर्माण कराया। इसमें जो मालवा है यहाँ पर महमूद खिलजी का काफ़ी इतिहास में नाम आता है। खिलजी वंश जब स्थापित हुआ, महमूद खिलजी हुआ, जिनसे राणा सांगा की लड़ाई भी हुई थी, राजपूतों की काफ़ी युद्ध हुए खिलजियों से, तो यहाँ उस खिलजी वंश के शासनकाल में भी काफ़ी सारे स्थापत्य कला में कार्य किए गए, और इस क्षेत्र में मालवा में काफ़ी मुग़ल शैली के स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा इसके अंदर से दिखाता हूँ।
मित्रों, इस जगह मैं हूँ इस समय मांडू के जहाज महल में। ये आप मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक महल देख रहे हैं, ये है जहाज महल। इस जहाज महल की खासियत है कि देखिए, आप इस साइड में देखेंगे एक तालाब है और इस साइड में भी इस महल के पीछे एक तालाब है। ये दो तालाबों के बीच में बना हुआ है ये जहाज महल। तो ऊपर से जब इसे देखते हैं तो ये जहाज के आकार का नज़र आता है। ये बनवाया था महमूद खिलजी के ही वंश में, एक घियाउद्दीन खिलजी करके थे, उन्होंने बनवाया था। ये मालवा का खिलजी वंश काफ़ी फेमस रहा है, जिनसे लड़ाई भी हुई, राणा सांगा की भी हुई है, राणा सांगा ने उनको हराया था। और इसके अलावा एक दो और भी फेमस ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है जहाज महल है। मांडू में बहुत सारी ऐसे ही स्मारक हैं, बाज बहादुर है, रूपमती का महल है, जामा मस्जिद है। तो हिंदू और मुग़ल शैली, मुस्लिम शैली, दोनों ही शैलियों में बने हुए यहाँ पर जो स्थापत्य कला के जो भी नमूने हैं, जो भी महल हैं या और स्मारक हैं, वो बहुत ही शानदार बन पड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो चलिए मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लोर कराता हूँ। चलो Hey!
ऐसे ही होगा। स्मार्ट से